बिहार में बढ़ते अपराध और बेलगाम अफसरशाही के मुद्दे पर एबी स्टार न्यूज संवाददाता जुबैर अंसारी ने आरजेडी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के महासचिव कुमार सौरभ शर्मा से बातचीत की। इस दौरान शर्मा ने नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार और बेलगाम अफसरशाही पर जमकर कोसा। प्रदेश महासचिव कुमार सौरभ शर्मा, आज उनसे हम जानेंगे कि राजद बिहार में मजबूत विपक्ष है, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार और बेलगाम अफसरशाही है और इसकी राजद की मौन सहमति कहा जाए, जो विपक्ष का रवैया है उसमें कहीं यह नहीं दिखता है कि विपक्ष भ्रष्टाचार और बेलगाम अफसरशाही पर कुछ कर पा रही है, जमीन पर ऐसा नहीं देखती है। हम बात करेंगे उसी भ्रष्टाचार पर। सृजन घोटाला में भी बहुत मजबूती से आवाज उठाए थे। बालिका गृह कांड हुआ जो कि बहुत श्रम आनी चाहिए नीतीश कुमार को कि बालिकाओं के साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ, लेकिन उसके खिलाफ नीतीश कुमार के खिलाफ में तेजस्वी यादव जी ने पूरे बल के साथ आवाज उठाया, फिर FIR हुआ, फिर बात आगे बढ़ी, लेकिन असली गुनहगार तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। आप तो खुद देख रहे हैं NDA में किस तरह आपस में तालमेल गड़बड़ है। अब भ्रष्टाचार की बात जहां तक आप कह रहे हैं, मदन सहनी हाल में ही सारा पोल खोले हैं कि अफसरशाही कितना है बिहार में, किस तरह लेन देन चलता है ट्रांसफर में। इसका सपोर्ट हमारे छातापुर के विधायक नीरज सिंह बबलू जी ने भी किया कि अफसरशाही है। जीताराम मांझी जी ने भी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अफसरशाही है, अफसर नहीं सुनता। और आप हम पे दोष क्यों लगा रहे हैं? कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता रथ के साथ बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कैयूम अंसारी सुपौल पहुंचे। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा है, साथ ही लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों को दूर करने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। अंसारी ने कहा कि वैक्सीन हर तरह से सुरक्षित है। ऐसा है कि मैं अब्दुल कैयूम अंसारी, चेयरमैन बिहार बोर्ड, आज मैं सुपौल आया हुआ हूँ। मकसद ये है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी अमौत हुए हैं, और अभी हुकूमत हिंद और हुकूमत बिहार के जो चीफ है हमारे जनाब नीतीश कुमार जी ने, पूरे बिहार में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है और 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी पूर्ति के लिए मदरसा बोर्ड ने फैसला किया है कि पूरे बिहार में बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन बेदारी भान को रवाना किया गया है, और इसके तहत मैं मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, गया, बिहार शरीफ, नवादा, नालंदा से पूरा होते हुए सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी होकर आज सुपौल आया हूँ, और पूरे बिहार में जाना। इसका मकसद है कि जो 20% आबादी अकलियतों की है वो 100% इस टीका में शामिल हों, और बहुत सारे गलतफहमियाँ पैदा की हो गई थी उसको दूर करने के लिए मैं घूम रहा हूँ कि इस वैक्सीनेशन लेने से कोई तरह की कोई नुकसान नहीं होगा, इम्यूनिटी हाई करने के लिए है। अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो आप जो है दोबारा जो कोरोना से मुतासिर नहीं होंगे, अगर मुतासिर भी होंगे तो आपकी मौत नहीं होगी। इसके लिए हम घूम रहे हैं और इसमें हम मदारिस के साधक को इस वैक्सीनेशन भान पर किताबें रखी गई हैं, एक एक सेट मुफ्त किताबें फराहम कराई जा रही हैं, और तमाम मदारिस के साधक को बुलाकर हमारे इस मीटिंग में वसीम साहब जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर आए, हमारे DPO साहब स्थापना आए, और इन लोगों के मौजूदगी में हम लोगों ने साधक से बात किया कि आप वैक्सीनेशन लीजिए, लोगों को अकलियतों में जाकर बताइए कि इसके कोई नुकसान नहीं होने वाला है, यही अभियान के तहत आए हैं। और इसके साथ साथ मदरसों में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है उसके बारे में बताना है कि नीतीश कुमार जी ने 7वीं शरह तनख्वाह दिया, EPF दिया, 15% तनख्वाहें बढ़ा दी, तमाम मदरसों में 2-2 कमरा लेट्रिन बाथरूम स्थानिया तक बनाने का, फोकानिया में 4-4 कमरा लेट्रिन बाथरूम बनाने का, पानी का इंतजाम करने का नीतीश जी ने मुख्यमंत्री इस्तेहकाम योजना शुरू किया है। आज किताबें फराहम कराई जा रही हैं
और भी जो स्कीम्स है मदरसों में मिड डे मील, साइकिल, पोशाक, स्टाइपन, ये तमाम स्कीम लागू किए गए हैं ताकि अकलियत के जो गरीब बच्चे हैं उनको फ़ायदा पहुंच जाए और जो भी स्कीम नहीं पहुंची है उसको भी हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के आने का मकसद ये है। नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय में भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ जन कल्याण संघ ने प्रदर्शन किया और अस्पताल चौराहा पर यूनिवर्सिटी के कुलपति का पुतला फूंका। जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र पासवान ने कहा कि नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय में पूर्व से जो भी मजदूर काम कर रहे थे उनकी बहाली नहीं करके रातों रात परीक्षा कराकर एक दिन के अंदर रिजल्ट जारी करके अन्य लोगों को बहाल करा लिया गया। अगर सही तरीके से विश्वविद्यालय के अंदर जांच हो तो बहाली के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला सामने आ जाएगा। जन कल्याण संघ ने मामले में 10 दिनों के भीतर जांच की मांग की है। ऐसा न होने पर यूनिवर्सिटी में तालाबंदी की भी चेतावनी दी है। पूर्वी चंपारण के चकिया में बीजेपी ने बैठक का आयोजन किया जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी भी बात पर चर्चा करके फैसला लिया जाता है और संगठन के ऊपर कोई भी एमपी या एमएलए नहीं है और पार्टी के जवाबदेही को पूरी करना हर कार्यकर्ता की प्राथमिकता है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि पीपरा मंडल का काम सबसे बेहतर है। अभी तो चुनाव हो चुके हैं, अभी कार्यकर्ताओं को संगठन कई टिप से बैठक का मेन उद्देश्य संगठन ही ऑर्गेनाइजेशन है। हम संगठन को एकदम बूथ तक मजबूती दिलाने के लिए पन्ना प्रमुख तक यहाँ नियुक्ति प्रदान करके संगठन को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाए, सभी कास्ट कम्युनिटी के सभी धर्म के लोग हमारे पार्टी में शामिल हो और सभी जगहों से सभी एरिया से उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, बूथ कमेटी में भी हो, मंडल कमेटी में भी हो, मोर्चाओं में भी हो, जिलाओं में भी हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो जो हमारा मंत्र है प्रधानमंत्री जी का वो मंत्र को हम साकार करने के लिए पूरे एक एक मंडल को सशक्त मंडल, एक एक बूथ को सक्रिय बूथ और पन्ना प्रमुख तक नियुक्ति करके हम पूरे संगठन को एक रिभाम करने के लिए हमारा योजना बनाने के लिए हम लोग आता है। पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया ब्लॉक में बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। बेलवा, बिजुलपुर और सपही पंचायत में कई घर बाढ़ से तबाह हो गए हैं। वहीं कई लोगों के घरों में पानी घुस आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें सरकार की ओर से कोई राहत सामग्री नहीं मिल रही है। बता दें कि बाढ़ का पानी घरों के अलावा स्कूलों में भी घुस गया है, साथ ही किसानों की फसलें भी बाढ़ से बर्बाद हो गई हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद बीडीओ अन्य अधिकारियों के साथ बाढ़ग्रस्त गांवों के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। क्या आप लोग के परेशानी है? हम लोग बाढ़ आने से बहुत परेशानी है, रास्ता निकलने का नहीं है। पुल एक बनवाया ठेकेदार तो वो अच्छा से पुल नहीं बनवाया, उसके बाद हम लोग का फसल सब डूब गया है पानी में। कितना मिर्चा, धान, बैगन, करेला, घिवड़ा, भिंडी, कंडा, सब फसल नुकसान हुआ है। और हम लोग कोरोना से झेल रहे तब तक बाढ़ आकर हम लोग और बहुत क्षति किया। इसमें डीजल का भी बहुत महंगाई है, खाद का महंगाई है, सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। अब लोग का सब्जी लगाए हुए थे, मार्केट में क्या रेट है इसका? मार्केट सब्जी में कोई रेट नहीं है, अभी महंगाई के हिसाब से कोई रेट नहीं है। गेहूं आज मार्केट में 1400 का बिक रहा है। क्या होना चाहिए रेट आप लोग? कम से कम रेट 2500 होना चाहिए। कितने के लागत से आप लोग खेती किए थे? हम लोग खेती में लागत है एकड़ में 30,000। सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग सरकार नहीं देती है। भागलपुर में उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर दुमका मेन रोड पर बलुआ चक के पास दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों के पास से 207 पाउच देसी शराब बरामद की गई है। दोनों आरोपियों की पहचान झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाले योगेंद्र शाह और दीनबंधु सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक एक तस्कर भागलपुर में शराब की डिलीवरी देने वाला था, वहीं दूसरा तस्कर मेहमतपुर में करने वाला था, लेकिन उत्पाद विभाग ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार में लोग चोरों के आतंक से परेशान हैं। मामला नगर थाना इलाके के अरगड़ा चौक के पास का है। चोरों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी का शटर तोड़कर लाखों का सामान ट्रैक्टर में लोड किया और 9-11 हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 3-4 लाख के सामान की चोरी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। विगत दिन नगर थाना के अरगड़ा चौक पर सर्वोत्तम इंटरप्राइज और सनराइज ट्रांसपोर्ट था,
जिसमें रात्रि में अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा उनके जो गेट था उस गेट को काट करके चोरी कर ली गई थी। इसमें थाना अध्यक्ष नगर के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नगर क्षेत्र में ही जो सामान था उसको लगभग 3 लाख की चोरी हो गई थी। इसमें कपड़ा और कॉस्मेटिक आइटम था वो 100% बरामद कर ली गई है और इसमें अभियुक्त की कुल 5 अभियुक्त इसमें संलिप्त थे। इसमें 4 अभियुक्त को हम लोग की पहचान कर लिया, जो सभी फरार है हम लोग सिविल इसको लगता है। भागलपुर ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। शहरी इलाकों में खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, सुजागंज बाजार समेत मुख्य बाजारों में नो पार्किंग जोन में लगाए गए 4-व्हीलर और बाइक को मिनी क्रेन से थाने पहुंचाया गया। वहीं दर्जनों वाहन चालकों से जुर्माना वसूल कर नसीहत देकर छोड़ दिया गया है।